क्या आपको पता है एक ऐसी कार है जिसके छत पर हेलीकॉप्टर लैंड हो सकता है? और क्या आपको पता है एक ऐसी लेक है जिसके नीचे समुद्र बहता है? और क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश है जहां पर अगर आप बस या ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको टिकट की जरूरत नहीं पड़ती? आज की वीडियो में आप ऐसे ही कुछ गजब फैक्ट्स जानेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। जरा इस इमेज को देखिए, है ना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। एक्चुअली इस फोटो में नीचे समुद्र है और ऊपर एक झील यानी कि लेक है। इस लेक का नाम लेक्स और वैक्सवर्थ है और ये फेरो आइलैंड्स में है, डेनमार्क में। और ये दुनिया का अकेला ऐसा करिश्मा है जिसमें ऊपर एक लेक हो और नीचे समुद्र, है ना, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर आज की। क्या आपको तैरना आता है? चलो छोड़ो, क्या आपने कभी तैरने की कोशिश की है नदी या फिर समुद्र में? आपने देखा होगा नदी में लहरें उठती हैं, लेकिन इतनी नहीं जितनी समुद्र में उठती हैं। आपने समुद्र में कॉमन सी चीज़ देखी होगी कि समुद्र के अंदर बहुत सारी लहरें उठती हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी लहर कितनी फीट तक की देखी है, कोई अंदाज़ा? मैंने तो लगभग 15-20 फीट की लहर देखी है जो कि मेरे ऊपर से गुजरी थी और मुझे बहा कर ले गई थी। लेकिन क्या आपको पता है जो आज तक की सबसे बड़ी लहर उठी है समुद्र में, वो 24.3 मीटर यानी कि 80 फीट की थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 80 फीट कितना बड़ा होता है। आप सभी ने अपनी ज़िंदगी भर में अलग अलग टाइप्स की कार देखी होंगी, चाहे वो सेडान हो, सुपर कार हो, हाइपर कार हो, स्पोर्ट्स कार हो या फिर लग्जरी कार हो, चाहे वो BMW, ऑडी, फरारी, लैम्बोर्गिनी एट्सेट्रा कुछ भी हो। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया की जो सबसे लंबी गाड़ी है कैडिलैक एल्डोराडो, जो कि 26 टायर्स पर चलती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये गाड़ी 26 पहियों पर चलती है। ये गाड़ी इतनी लंबी है कि इसके अंदर जकूजी है जिसके अंदर एक डाइविंग बोर्ड लगा है, और इस गाड़ी के अंदर एक किंग साइज वाटर बेड भी है, और यहाँ तक कि इस गाड़ी के छत पर एक हेलीकॉप्टर तक लैंड हो सकता है। आप सभी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सफ़र किया होगा, जैसे कि पब्लिक बस या फिर ट्रेन्स और भी बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और आपको ये भी पता होगा, आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करेंगे तो आपको टिकट लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑब्वियस सी बात है पैसों में आती है। आप कहीं भी चले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन क्या आपको पता है लग्जमबर्ग ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से अपने सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है हर एक इंडिविजुअल के लिए, यानी कि कोई भी जाए और फ्री में सफ़र करे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बस हो, ट्रेन्स हो, कुछ भी हो, लग्जमबर्ग में आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हैं। सिग्नेचर यानी कि आपके इनिशियल्स, जहाँ कहीं भी पेपर वर्क होता है या फिर कुछ भी ऑफिशियल वर्क होता है तो आपके सिग्नेचर की सख्त ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है जापान के लोग सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। एक्चुअली जापानीज़ सिग्नेचर के बजाय हैंको यूज़ करते हैं। हैंको एक टाइप की स्टैम्प है, हर एक जापानीज़ के पास अपनी अपनी हैंको होती है जो कि दूसरे हैंको से बिल्कुल अलग होती है। बचपन में ही हर बच्चे को उसकी एक स्पेशल हैंको दे दी जाती है ताकि वो सिग्नेचर करने के बजाय एक स्टैंप लगा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।